अभी स्टार्ट करते हैं तुरंत। ओके, आते ही मैंने स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप एक बार पढ़ के ट्राई करिए, फिर सही रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन पे जाऊँ तो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेड 3 times ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। ओके, ये जो इस तरह से दे रखा है, ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ से क्वेश्चन ये बेसिकली दिया गया है। और इसमें डिस्टेंस आपको पता है कि तो आप मेरे ख्याल से रिलेट कर सकते हो, आप केपलर्स लॉ से इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, केपलर्स लॉ से इसको रिलेट कर सकते हो। सन एंड अर्थ, सपोज करिए सन है यहाँ पे और अर्थ है यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस आर है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या किया गया, वो तीन गुना बढ़ा दिया, यानी कि मेड 3 times ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अच्छा नहीं, यहाँ पे बेसिकली देखिए, ये ग्रेविटेशनल केपलर्स लॉ का जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आपका काम चल जाएगा। बेसिकली वो सन और अर्थ देख के ऐसा लगता है कि केपलर्स लॉ लगेगा, लेकिन केपलर्स लॉ का जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करेंगे तो हो जाएगा। फोर्स सपोज करें कि ये पहले अगर जब आपने चेंज नहीं किया था, डिस्टेंस चेंज नहीं किया था, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स इतना लग रहा था। ठीक है, लेकिन ये है आपका इतना है पहले से फोर्स लग रहा है ये, इसको अब क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इनके बीच में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा निकाल दिया आपने, अब जब डिस्टेंस 3 times कर देते हो, यानी जो नया डिस्टेंस आपने जो निकाला आर वो है क्या, तो 3 मतलब आर डैश जो निकाला वो 3 times आर है। अगर आपने डिस्टेंस चेंज की है, डिस्टेंस आपने अगर चेंज की है या बढ़ाया है या घटाया है, तो उसकी वजह से फोर्स जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, फोर्स चेंज हो जाएगा, यानी कि नया फोर्स आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला यही लगेगा, एफ डैश बोलता हूँ। देखिए मास तो चेंज हो नहीं रहा, मास चेंज नहीं हो रहा, तो ये ना तो सन का मास चेंज हो रहा ना अर्थ का मास चेंज हो रहा, तो मास सेम रखेंगे हम। उसके बाद नया जो आर है, आर डैश, उसका स्क्वायर यहाँ लेके आओगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू मैं पुट करता हूँ आर डैश की, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ से आर डैश की वैल्यू पुट करोगे तो 9 times आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 9 times आर स्क्वायर, एफ डैश को जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते इतनी। ओके, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इतनी वैल्यू यहाँ पे इस इतनी की जगह पे हम एफ लिख सकते हो, तो एफ डैश की वैल्यू जो है ये एफ बाई 9 आएगी, एफ बाई 9 आएगी। ठीक है, तो है कोई ऑप्शन इसमें, यानी पहले से जो जितना था उसका 1/9 times हो जाएगा। ओके, पहले से जितना था उसका 1/9 times हो जाएगा आपको आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आप कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था। सेकेंड है इंटेंसिटी, अगर है इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अलग अलग टॉपिक का लिया मैंने जिससे कि सारा टॉपिक कवर हो पाए आपका। तो इफ आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मीन डेंसिटी है वो निकालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के टर्म में, मतलब स्मॉल जी के टर्म में बेसिकली निकालना है, यहाँ पे मास नहीं दिखाई दे रहा है, तो देख लेते हैं एक बार करके। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जी एम बाई यहाँ पे आर, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ओके, तो इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, मीन डेंसिटी आपको चाहिए, कैपिटल एम जो लिख सकते हो, या ऐसे बोलो कि मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या लिख सकते हो आप,
रो इक्वल टू एम बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और वॉल्यूम जो होगी वो कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम। यहां से अगर मैं रिप्लेस करूं, थोड़ा सा कुछ रिप्लेस करने की कोशिश करें, किसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो बेसिकली हमें डेंसिटी चाहिए ना, हमें तो डेंसिटी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए था, मीन डेंसिटी चाहिए, और वो भी यहाँ पे कैपिटल एम नहीं है रिप्लेस, यहाँ से हम स्मॉल कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हैं, कैपिटल की वैल्यू वहाँ से उठा के आप डाल दीजिए, कैपिटल एम की जो वैल्यू आप डालोगे यहाँ से, कैपिटल एम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी, ये कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पे उठ, क्यों मैं कैपिटल एम की वैल्यू ही रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आप देखोगे तो कैपिटल एम प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल एम प्रेजेंट नहीं है किसी भी ऑप्शन में आप देखोगे तो कैपिटल एम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं उसी की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू जी आर स्क्वायर, कैपिटल एम रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 ऊपर रहेगा और 4 यहाँ पर रह जाएगा, 4πr³, तो जी आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर, ओके क्या है, 3 जी आर स्क्वायर बाई 4πr³, ये इतना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो r³ सही है, कितना है 3g/4πr, ओके 3g/4πr। अब एक नहीं जी, कैपिटल जी का भी तो वैल्यू आना चाहिए, कैपिटल जी को कहाँ रख दिया, 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल जी भी तो रह गया, तो कैपिटल जी हम लोगों ने यहाँ पे छूट गया है, तो ये आएगा जी, कैपिटल जी भी आएगा, तो यहाँ पे कैपिटल जी भी रहेगा, ओके तो ये चीज आएगी, कोई है ऑप्शन जो इसे मैच करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3g/4πr जी, कैपिटल आर जी, ओके कैपिटल आर कैपिटल जी ये आ जाएगा, ठीक है, जस्ट रिप्लेसमेंट करना था, बहुत रिप्लेसमेंट करना था, बहुत बेसिकली जे मेन के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि जे मेन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं जो आपके हैं, और मतलब एक तरह से मिक्स करके आपको जो क्वेश्चन है बन रहे हैं यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपका क्वेश्चन अगर ले लूँ मैं आपको एडवांस का और यहाँ पे दूँ तो आपका मतलब यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा इस टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके लिए हम फिर एडवांस के लिए करेंगे हम आगे, ठीक है, तो एडवांस के लिए हम फिर करेंगे आगे, तो ये चीज़ आपका राइट समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन सी लेवल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन आर दिस वन, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे इससे क्वेश्चन बेसिकली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, हाइट पे जाओगे सरफेस पे जो भी होगा उससे ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो वेरी करेगा, कम हो जाएगा, डेप्थ में जाओगे कम हो जाएगा, रोटेशन की वजह से कम हो जाएगा, ठीक है, रोटेशन की वजह से भी कम हो जाएगा, तो ये आपका जो चीज़ें हैं वो अब बेसिकली सर से कम हो जाएगा, W की वैल्यू वेट की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, तो अब सरफेस जो है यहाँ पे अर्थ है और यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे अर्थ के सरफेस में कितना है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन मतलब कि यहाँ पे डेप्थ में, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है W1, सी लेवल मतलब W2 यहाँ पे अर्थ सरफेस में, और W3 यहाँ पे एट टॉप ऑफ द माउंटेन ये है W3, देन अब बताइए कौन सबसे ज्यादा होगा, पता आपको सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा रहेगा, ओके अब देखिए ये दोनों में से कौन सा ज्यादा है, W1 ज्यादा है कि W2 ज्यादा है, ये आप यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे इसलिए नहीं बोल सकते, वो तभी आप बोल सकते हो ये बताया जाए कि कितनी हाइट पे और कितने डेप्थ में जाएगा, कितने हाइट पे और कितने डेप्थ में ये पूछा गया है, अभी आप बता पाओगे कि इन दोनों में से W1 और W3 में से कौन बड़ा है, ये आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते मतलब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हाइट पे जाओगे
तो हाइट पे जाओगे तो जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ऐसे होगा हाइट पे. ओके डेप्थ, या अगर मैं स्मॉल हाइट की बात करूँ, स्मॉल हाइट की अप्रोक्सीमेशन लेके और हम स्मॉल हाइट के लिए निकालते हैं जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर. याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला किसी भी हाइट के लिए वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड है ये वाला. ओके जैसे अर्थ का रेडियस है काफ़ी ज़्यादा 6400 किलोमीटर होता है, उससे कंफर्टेबली आप कुछ हाइट पे अगर बात करें तो ये चीज़ हम बहुत स्मॉल हाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, स्मॉल हाइट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. ठीक है, अब बात आती है कि डेप्थ में क्या होगा. तो डेप्थ में मैं बोलता हूँ कि जी डबल डैश बोलता हूँ, दैट इज इक्वल टू वन माइनस डी बाई आर, डी बाई आर. तो ये डेप्थ में जो आएगा, डेप्थ में जी इंटू वन माइनस आर डी अपॉन आर, डेप्थ में भी जी की वैल्यू वेरी करेगी. तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि डी और एच की वैल्यू क्या है, तब तक आप ये जी की वैल्यू नहीं बता सकते कि मैं तब इनमें से कौन बड़ा है, नहीं बता सकते. हाँ, बस इतना जरूर है कि जो सरफेस पे जो वैल्यू होती है जी की, वो सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों जगहों में से. तो ये W2 ज़्यादा होगा किससे, W3 से भी ज़्यादा होगा और W1 से भी ज़्यादा होगा. तो इस तरह से हम निकाल सकते कंक्लूजन. देखिए कौन सा है, तो ये आपका यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं. करेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों अर्थ के सरफेस पे, हाइट पे, डेप्थ में, तीनों जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी वही इंटेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है. द हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 1/4 ऑफ That at surface. तो देखिए अभी मैंने acceleration due to gravity का formula मैंने बताया. तो height पे बात करते हो, अगर किसी height पे बात करो, तो height पे बात करें h, तो height पे बात करें तो acceleration due to gravity की जो value आएगी वो कैसी आएगी, तो g one plus h upon r, okay h upon आर. ये इस तरह से फॉर्मूला देते हैं किसी हाइट पे. अब बोलोगे सर हम तो ये, मुझे तो ये भी पता है, कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर. बोलोगे सर मुझे तो ये भी पता है, ये पता है ठीक है, लेकिन ये हर हाइट के लिए नहीं बोल सकते. ये तभी आप यूज कर सकते हो जब, ये वाला तभी यूज कर सकते हो जब ये स्पेसिफाई किया हो कि एट वेरी स्मॉल हाइट, एट स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट्स के लिए ही वैलिड है. याद रखिएगा कि ये स्मॉल हाइट्स के लिए ही वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, स्मॉल हाइट्स के लिए, सारे हाइट्स के लिए वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हाइट जो दी है वो नेग्लिजिबल नहीं है. यहाँ पे हाइट है कुछ कंसिडर, मतलब सफिशियंट है हाइट जो है. कितनी हाइट है, हाइट दे रखी है वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 1/4 हाइट जो है. तो हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ, तो नया आप देखिए कितनी हाइट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. थोड़ा सा स्मॉल हाइट पे क्या होगा, चेंजेस बहुत कम आएंगे, लेकिन हाइट अच्छा खासा चेंज आ रहा है जी में, इसका मतलब हाइट भी अच्छा खासा होगा. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला किसी भी जगह लगा सकते हो, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है. ओके किसी भी कंडीशन वगैरह की जरूरत नहीं है, समझिए बात. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/4 ऑफ दैट एट सरफेस. तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कितना है, जी बाई फोर, यानी कि जो वैल्यू है वो जी बाई फोर, सरफेस पे जो है उसे जी बाई फोर होगा, वन प्लस एच बाई आर और होल स्क्वायर. जी काट देंगे, जी जो है ये काट देंगे, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, वन अपॉन टू, वन अपॉन
वन प्लस एच बाई आर, ओके। ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि वन प्लस एच बाई आर दैट इज इक्वल टू टू, तो एच इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से करेंगे तो वन आ जाएगा, एच की वैल्यू आर हो जाएगी, ओके, एच इक्वल टू आर हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कौन सा आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्वेश्चन है, पोटेंशियल का क्वेश्चन भी आया हुआ है अभी आपका जेई में, तो जेई अभी जनवरी टेंथ जो चल रहा है इसमें पोटेंशियल के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन बच्चों ने बताया है, तो इसको क्वेश्चन को हमने लिया है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरली जीरो। तो एक ऐसा बोला कि एक फील्ड, ऐसा कोई फील्ड है एट ए पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, जहाँ पे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो है या नहीं है, या जीरो है तो एकदम कंपल्सरली है कि वहाँ जीरो हो जाएगा ऐसा है, या कंपल्सरी नहीं है जीरो हो कि हो जीरो हो जाएगा, वो चीज़ कंडीशन आपको बता रही है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे अब बता रही है। ठीक है, बेसिकली पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप किसी पॉइंट पे आप चाहो तो उस जगह पे पोटेंशियल जीरो मान सकते हो, रेफरेंस आप किसी जगह पे जीरो मान सकते हो, ठीक है, कहीं पे अगर आप चाहो, आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे पोटेंशियल में जीरो लेना चाहते हो तो जीरो ले सकते हो आप, तो पोटेंशियल जो होता है ना वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि वहां पे फील्ड भी जीरो, मतलब क्या है, सपोज करके मैं एग्जांपल देख देता हूँ, है ना, कि एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करके ये एक ऐसा है इस तरह से कि यहाँ पे ये फील्ड लाइन्स है, फील्ड लाइन्स है, ये फील्ड लाइन्स है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वहाँ पे, ये क्या है, ये बेसिकली फील्ड है, ये मतलब पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है, सपोज करें कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ टू वोल्ट है, तो जीरो पोटेंशियल मतलब जीरो वोल्ट, टू वोल्ट, फोर वोल्ट, ऐसा करके ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस टू वोल्ट दे रखा है, ऐसे ऐसे इन्होंने यहाँ पे इसे दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे, पोटेंशियल जीरो है लेकिन फील्ड जीरो नहीं है, फील्ड जीरो नहीं है, ओके, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल आप जीरो यहाँ पे मान लिया, तो मतलब रेफरेंस अगर मान लिया तो पोटेंशियल जीरो हो गया, ओके। आप चाहे तो इसको भी पोटेंशियल इसको जीरो मान सकते हो, हालांकि ये क्वेश्चन एक तरह से ग्राफ दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, उसके लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि किसी जगह पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड जीरो हो, ओके, जीरो फील्ड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके, यहाँ पे तो इस तरह से कर सकते हो कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरीली जीरो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फील्ड है ना, ये फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरीली जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट नेसेसरीली जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा, नेसेसरली फील्ड जीरो नहीं होगा, ये हम अभी देख रहे थे, बात कर रहे थे कि हाँ सही है ये बात। उसके बाद नथिंग कैन बी सेड डेफिनेटली अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जा रहा है जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया है, ओके, जो हमने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे ये हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे, ठीक है, चलिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला।
ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए पर्सन ब्रिंग्स ए मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है, ए इनिशियली द मास वाज एट रेस्ट बट इट मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 2 m/s एट इट्स एज इट रीचेस ए द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास इज इतना, ओके, वर्क डन इतना, देन पोटेंशियल एट ए, ए पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। तो सपोज ये इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे जब ये था, इन्फिनिटी पे था और वो लेके इन्फिनिटी से कहाँ पे आया, वो किसी पॉइंट पे आया, जब इन्फिनिटी पे था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ओके, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब वो कितना था मास इसका, 1 kg, अब वहां से इनिशियली द मास वाज एट रेस्ट, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि रेस्ट में था ना, इन्फिनिटी में रेस्ट पे था, इन्फिनिटी में तो वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हम रेस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी को हम रेफरेंस मानते हैं, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी ही क्योंकि रेस्ट पे है, ऐसा दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे जब मूव किया, यहाँ पे आया, तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये 2 m/s है एज इट रीचेस, द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास इज -3, वर्क डन बाय पर्सन यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल टू -3 joule, ओके, ये चीज। द पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए ऐसा बोला गया है कि इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है, तो याद होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया गया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आई बात समझ में, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ओके, तो पर्सन ऑन द मास, तो देखिए वर्क डन बाय, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि इतना है, राइट, समझ में बात, या वैसे बोलो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, तो यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन भी एक एक्सटर्नल फोर्स ही है, तो उसके वजह से फोर्स, उसकी वजह से तो वर्क डन दिया है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं एक बार कि वर्क डन में और भी कुछ फोर्सेस हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकता है कोई और फोर्स भी हो साथ में, तो उसके साथ कुछ और फोर्स भी हो सकता है, तो थोड़ा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए हर हाल में लगा सकते हैं, आप किसी भी जगह पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं हर जगह, तो मैं बोलता हूँ कि वर्क, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल, ओके, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल पर्सन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ इंटू मास कितना है, मास है 1 kg इंटू 2 की स्पीड है, तो mv स्क्वायर की 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किधर है, कितना है इस पर, तो एक तरह से नहीं, इस बेसिकली हमें चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल निकालना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं वर्क डन बाय पर्सन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो है और तो कुछ है नहीं, तो हाँ इनिशियली रेस्ट पे था, तो दिस इज इनिशियली रेस्ट, वर्क डन बाय पर्सन, तो वर्क डन बाय पर्सन कितना है, -3 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी आप निकाल लेंगे, जो भी बेसिकली ये क्या है, तो चेंज इन पोटेंशियल, मतलब दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, तो ऑल फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या है, आप देखेंगे तो ये 4/2, तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 इक्वल टू -3 प्लस वर्क डन बाय, वो क्या आएगा, यहाँ से जो आएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इतना आया। अब देखिए आपको पता है मैंने कि ये चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप यहाँ से यानी इसका जो नेगेटिव कर दोगे तो ये चेंज इन पोटेंशियल
निकाल आएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी मतलब डब्ल्यू जी और दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी ठीक है कौन सा ये वाला करेक्ट है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन था ये ठीक है ना ऑफकोर्स ये अच्छा क्वेश्चन हम क्लास में भी कराते हैं तो उसमें भी ये बच्चों को इसमें मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है ठीक है ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के वजह से के हेल्प से हम कर सकते हैं बेसिक तो हर जगह अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है प्लैनेट इज मूविंग इन एन इक्विप्टिकल ऑर्बिट यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट ओके इलिप्टिकल ऑर्बिट है इफ टी वी एल एल आर रिस्पेक्टिवली इट्स काइनेटिक एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी है ओके ये इसका काइनेटिक एनर्जी है ओके तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ये क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी और ये इसका टोटल एनर्जी और ये है एंगुलर मोमेंटम कौन सा ये वाला एंगुलर मोमेंटम ठीक है एंगुलर मोमेंटम है करेक्ट है मोमेंटम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अब इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में तो समझ लेते हैं तो आसानी होगी आंसर देना ये है सन और सपोज की अर्थ ही यहाँ पे ओके प्लैनेट इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफकोर्स मूव कर रहा है तो अब एक चीज देखोगे कि यहाँ पे जो फोर्सेज हैं फोर्स यहाँ पे जो लगता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है पहला चीज दूसरा चीज कि इसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है किसके अलोंग ये फोर्स लगता है इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगता है किसके अलोंग तो फोर्स लगता है इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग यानी फोर्स जो होगा ये कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो फोर्स होगा वो कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा इसका मतलब कि एनर्जी जो है ना वो एनर्जी कंजर्व होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो ठीक है तो अब देख लेते हैं एक और चीज़ है कि स्पीड इसकी जो होती है यानी स्पीड इसकी चेंज होती रहती है स्पीड जो होगा वो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ होती है सबसे कम स्पीड यहाँ होती है और इस जगह पर स्पीड इसकी चेंज होती रहती है मतलब डायरेक्शन तो बदलता ही रहता है साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है अगर मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहेगा ठीक है अब देखते हैं टी इज कंजर्व टी मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्या नहीं तो ये गलत है ओके हमें चाहिए गलत या सही टू चाहिए हमें कई बार फॉल्स पता करता है फॉल्स फाइंड आउट करने के लिए दे देता है दूसरा क्या है वी इज ऑलवेज पॉजिटिव वी क्या है पी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तभी तो ये बाइंडेड सिस्टम मतलब कि आप समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स में जो टोटल एनर्जी होती है वो टू टाइम्स होती है पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें ये वैलिड होता है तो यानी कि ही का मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं ये भी गलत है ई इज ऑलवेज नेगेटिव ओके देखिए अगर ई क्या मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा बिल्कुल सही है तभी ये बाउंडेड होता है बाउंडेड का मतलब कि ये प्लेनेट अपने आप इस सन को छोड़ के नहीं जाएगा यानी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं भागेगा प्लेनेट सन को छोड़ के अपने आप नहीं भागेगा ऑर्बिट से अपने आप दूर नहीं भागेगा आई उसमें तो ये चीज़ यानी कि हाँ बिल्कुल ये सही है ई की वैल्यू सही है एक और यहाँ से भी ये वाला वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से भी देखिए ये रिलेशन वैलिड होती है अगर ये नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव होना चाहिए ना तो यहाँ बोल रहा है कि ई पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव गलत बोल रहा है ना एल इज कंजर्व्ड बट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल विल कंटिन्यूसली चेंज क्या बोल रहा है एल इज कंजर्व्ड बट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल विल कंटिन्यूसली चेंज
देखिए डायरेक्शन जो होगा, पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन किसका, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा क्या। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये नहीं है, ये अगर आप सोच रही है तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा तो राइट हैंड से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ये जो अगर सेंस, देखिए ये अगर सेंस ऑफ मोशन है, तो अगर ये सेंस ऑफ मोशन अगर है प्लेनेट का, तो ये जो थंब है ना, थंब ओके, सो समवन हैज आस्क्ड अबाउट द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ यस, ही इज आस्किंग फॉर परसेंटाइल, ही गॉट 130 मार्क्स, यू विल गेट वेरी गुड परसेंटाइल, ओके, वेरी गुड परसेंटाइल यू विल गेट, मे बी यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली मोर देन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 98 परसेंटाइल, आपको काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आपका मिलेगा, 98 परसेंटाइल से ऊपर आपका रहेगा, ओके, कम से कम 98 परसेंटाइल होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि 130 राइट, 130 होप कि आपका और अच्छा ज़्यादा सही हो, ओके, तो आई होप कि और ज़्यादा आपका सही हो, कम से कम आपके, ठीक है। अगर आप खुद से ऐसा सोच रहे हो, अभी अभी आंसर्स आने दीजिए, मतलब अभी मार्क्स जो है ना एक्चुअल में आने दीजिए, हो सकता है आपका और ज़्यादा हो, कई बार हम सही आंसर मैच नहीं कराते, कई बार आपने कहीं कोचिंग वगैरह से मैच कराया है तो हो सकता है कई बार उनके भी कुछ क्वेश्चंस आंसर कुछ गलत होते हैं, तो आप जब तक एनटीए आंसर रिलीज नहीं करता तब तक आप होपफुल हो, और मान के चलो कि कई बार तो ये कोचिंग वालों का आंसर ही 4-5 क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैं खुद ऐसे जगह पर था, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब मैं वहाँ पे नहीं, तो हम लोग ये देते थे आंसर्स, और ठीक है ना, हम लोग खुद आंसर्स बनाते थे उसके रात के 8-9 बजे तक, बहुत एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते थे, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे था जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मायने रखती थी, और ठीक है ना, तो आप मैं कहाँ पे था, मेरे प्रोफाइल आप देख सकते हो उसमें, तो मेरे थंबनेल वगैरह पे मैंने लिखा है, बार बार लिखना ज़रूरी है। आप होपफुल हो कि और क्वेश्चंस आपके ज़्यादा सही हो, 5-6 क्वेश्चंस हो सकता है और सही हो जो आप गलत उम्मीद लगा रहे हो, ठीक है ना। माय नेम इज प्रदीप कुमार, ओके, ठीक है, तो ये आते हैं, इसको देखते हैं, राइट, तो ये चीज़ आपने देख लिया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज वी, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ओके ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द सरफेस इज वी, तो यहाँ पे आपको फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस का मतलब क्या है कि फॉर स्मॉल हाइट ये बोला गया है, ये जो इन्होंने बोला है ये स्मॉल हाइट के लिए इन्होंने बोल रखा है, ठीक है, ये बोल रखा है, तो स्मॉल हाइट के लिए जो बोल रखा है, यानी कि नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ हम बोलते हैं, तो नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इसको बोलते हैं हम नॉर्मली, ओके, तो उसमें होता क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी अंडर रूट ऑफ आपको कितना होता है, जी एम बाई आर होता है, जी एम बाई स्मॉल आर, ये तो ऑर्बिटल स्पीड होती है, लेकिन अब फॉर द नियर ऑफ नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ क्या होता है, नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ क्या होता है कि स्मॉल आर को हम बोलते हैं कि भाई ये कैपिटल आर के बराबर है, मतलब कि सरफेस के जस्ट क्लोज है, तो हम स्मॉल आर की वैल्यू जो होती है कैपिटल आर के बराबर यहाँ पे हम ले लेते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ स्मॉल आर को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो वी ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल आर, जी एम बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब आप ये देखिए थोड़ा सा इसको, मतलब ये है ऑर्बिटल स्पीड कब, जब नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है,
अब बोल रहा है कि फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट ए एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, मतलब पहले मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, अभी जो है ना ये कितना है, ये मान लो कि ये अर्थ हो गया, ठीक है, और अभी ये हाइट जो है वो h इक्वल टू r बाय 2 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि और अभी जो ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे वो होगी gm। अब ये देखिए जो स्मॉल r लिखते हो ना, ये स्मॉल r है क्या, तो अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस लेते हैं, याद रखिएगा ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो अर्थ के सेंटर से लेंगे स्मॉल r, तो दिस इज द कैपिटल r प्लस h, ये रहेगा, और कैपिटल r प्लस h बाई 2 मतलब r बाई 2, ओके, तो ये क्या होगा 3 बाई 2 r हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 3 बाई 2 r, ओके। तो यहाँ से अगर आप देखोगे अगर थोड़ा सा इसकी वैल्यू इसकी मैं यहाँ पे ला के रखना चाहो तो आप ला के रख दो, क्या ला के रख दो, ये वैल्यू, तो ये आपको 2 बाई √2/3 आप बाहर ले लो, 2/3 और v और वाइटल, ओके, ये चीज़ आप ले सकते हो, क्या है आपका, तो √2/√2/3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। वैल्यू नियर टू द सरफेस का सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब यही है कि हम स्मॉल r को कैपिटल r के बराबर रख सकते हैं, इसको बोलते हैं नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी सैटेलाइट मोशन का क्वेश्चन है आपके लिए, सैटेलाइट मोशन का क्वेश्चन ये है आपको, तो द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट इज v, एस्केप वेलोसिटी, ओके, इफ इट्स मास एंड रेडियस बिकम 4 and 2 times respectively, then the escape velocity will be, देखिए escape velocity आप किसको बोलते हो, escape velocity वो minimum velocity है जो अगर किसी object को दिया जाए तो वो चला जाएगा infinity, मतलब फिर से वापस नहीं आएगा, okay, यानी कि या ऐसे बोले कि earth का escape velocity क्या, earth से escape velocity वो minimum velocity है जो किसी satellite किसी object को दिया जाए तो इन्फिनिटी पे चला जाए, वापस नहीं आए रिटर्न होके, तो हम बोलते हैं उसको कि वो स्केप वेलोसिटी है, सही है, समझ में बात। तो बात करते हैं कि फ्रॉम ए प्लैनेट इज वी, प्लैनेट है और उससे अर्थ का उससे स्केप वेलोसिटी जो होगा, स्केप वेलोसिटी वो वी स्केप जो आएगा दैट इज इक्वल टू वी, ओके, फ्रॉम ए प्लैनेट इज वी, राइट, ये प्लैनेट from a planet is v, if its mass and radius become 4 and 2, तो escape, ये escape velocity जो लेते हो आप from a, okay, v आ जाएगा mass, अगर escape velocity निकालना चाहूँ, okay, तो ये escape velocity होगा क्या, कितना होता है, अगर मैं mass, मैं मान के चलता हूँ कि mass इतना है, radius r है, तो इसकी जो value आती है वो 2gm by r आती है ये। अब इसका क्या किया इन्होंने कि मास एंड रेडियस बिकम 4 and 2 times, मास जो है वो मास 4 times और मास कितना, मास हो गया 4 times, ओके, यानी कि नया जो मास आया वो जो नया मास आया वो क्या है 4 times, और रेडियस जो है वो कितना है वो 2r हो गया, तो नया जो आएगा escape velocity that is equal to under root of g m की वैल्यू कितनी है 4m और डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है 2r, ओके, 2r ये आएगा, और यहां से आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये इस कैंसिल कर दीजिए, 2 हो जाएगा under root of 2gm by ओके, ठीक, अब ये आप इसकी वैल्यू रिप्लेस देखिए, नहीं एक चीज यहाँ पे 2 बच गया ना, अच्छा 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी रहता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे 2 into 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 into 2 हो जाएगा, तो इसको अगर लिखेंगे तो √2 times, इसको बाकी को आप रिप्लेस कर सकते हो वी से, तो दिस इज वी इसकी वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, करेक्ट, आगे बढ़े, केपलर्स लॉ,
के प्लस लो, ठीक है, के प्लस लो, ये क्या है के प्लस लो, इमेजिन ए लाइट, देखिए आपके क्वेश्चन सब हमने अभी अभी जो किए हैं पोटेंशियल से कर लिया, फिर हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कर लिया, उसको एक्सेसिव टू ग्रेविटी वेरिएशन, ओके उसके बाद से अप्लाइड मोशन से कर लिया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सब अब कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसको, के प्लस लॉ, इमेजिन ए लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड ए वेरी मैसिव स्टार इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस वर्ल्ड विद ए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, इमेजिन ए लाइट प्लैनेट, तो ये सपोज करो ये सन है और ये रिवॉल्व कर रहा है कौन सा, तो ये अर्थ, ऑफ रेडियस आर एन, ठीक है ना, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे आ गया, विद ए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी, इफ इसका टाइम पीरियड दे रखा है, मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड आपका हो जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड आपको याद अगर होगा तो मैं बता दूँ कितना होगा, तो टाइम पीरियड आपका यहाँ पे निकाल सकते हो, ओके आर क्यू बाई, ओके आर क्यू बाई जी एम करके आता है यहाँ पे, ठीक है ना, आर क्यू बाई, तो ये जी एम आता है, उसको कर सकते हैं, मान के चलिए कि आपको टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ के टाइम्स आर क्यू ऐसा रहेगा, है ना, ये तो ये रिलेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन से हम ये लिख सकते हैं, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन देन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये कब के लिए है, तो बेसिकली ये जो फोर्स होता है, वो जो फोर्स यहाँ पे जो होता है, बेसिकली हम नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं, एफ इक्वल टू जी एम बाई आर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बोला इन्होंने कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स आया वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ आर का पावर माइनस फाइव बाई टू का, यानी कि एफ इक्वल टू के टाइम्स कुछ के टाइम्स, ये हो सकता है नया कॉन्स्टेंट हो, तो के टाइम्स मैं ले लेता हूँ आर पावर माइनस फाइव बाई टू, आर पावर फाइव बाई माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, देन टी स्क्वायर, अब टाइम पीरियड चाहिए आपको, अगर देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम करते हैं, ओके ठीक है, ये चीज तो एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़े दिन पहले ही ये फुल फ्लेज में, इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश में लगा हुआ था, तो थोड़ा इसलिए मैं अभी स्टार्ट मैंने किया लगभग लगभग एक से डेढ़ महीने, उससे पहले मैं जो है ना जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा था, जैसे इंटरेक्टिव बोर्ड हुआ या जो बाकी चीज़ों पे थोड़ा काम कर रहा था, जैसे वेबसाइट हुआ, ऐप हुआ, तो इसलिए थोड़ा लेट वह है, लेकिन वही फुल फ्लेज में मैंने लगभग लगभग दो महीने से स्टार्ट किया, ऐसे आप देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट हुआ, तो इससे पहले दूसरे नाम से था लेकिन वो चेंज किया मैंने, तो अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी इसको फुल फ्लेज में स्टार्ट किया है थोड़े दिन पहले ही, तो ये बोर्ड ही एक महीने पहले आया है, और उससे पहले मैं कहीं और पे मतलब किसी और के बोर्ड से काम चला रहा था, तो लगभग दो महीने से मान के चलो कि फुल फ्लेज में हम कर रहे हैं, तो होपफुली ठीक है ना, स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो आपकी बात सही होगी, के इंटू आर माइनस फाइव बाई टू, ये चीज राइट, तो करेक्ट है, ये चीज करेक्ट है, तो एफ इक्वल टू के आर पावर माइनस फाइव बाई टू यहाँ पे, तो अब देखिए क्या है कि आपको आप पूछा क्या गया है, बेसिकली टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड चाहिए, तो आपको टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड निकालते कैसे हो, टाइम पीरियड निकालते हो टू पाई आर बाई वी, ऐसे ही तो निकालते हो, तो वी निकालना है कि एक तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालोगे यहाँ पर प्लेस कर दोगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन अब ये जो सिस्टम है नया कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में फोर्स जो है फोर्स
फोर्स यहाँ पे देखिए, नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर माइनस टू होता है। लेकिन यहाँ पे कोई नया सिस्टम है जिसमें फोर्स आर पावर माइनस फाइव बाई टू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें इसमें भी निकालना पड़ेगा। भी कैसे निकालोगे आप? तो भी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? ये करेगा। तो ये के इंटू आर पावर माइनस फाइव बाई टू, ओके, के इस तरह से आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर, या ऐसे बोलो कि हाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से के इंटू आर पावर आर पावर, मतलब ये इस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर पावर कितना हो जाएगा भाई, आर पावर माइनस फाइव बाई टू है ना वन, तो आर पावर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री बाई टू। और ये मास एम आएगा तो ये तो नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है, तो एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा दोनों मिला के, ओके। अब भी ये जो वैल्यू आएगी वो भी अगर आप यहाँ पे रूट ले लोगे तो रूट ऑफ के, ये भी एक नया कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही है एम, और इसका पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का पावर माइनस थ्री बाई फोर आ जाएगा, थ्री बाई फोर, ओके, थ्री बाई फोर ये आ जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर, राइट। अब ये जो है ना, ये माइनस थ्री बाई फोर आ जाएगा, आर की वैल्यू जो है वो माइनस फोर। अब ये जो है वी की वैल्यू, मैं इसमें पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, मतलब कि ये जो वैल्यू आई ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसमें ठीक है। ये यहाँ पे वी यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो आएगी टी इक्वल टू टू पाई आर बाई वी, ये वैल्यू वी की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं रख सकता हूँ, ए बाई एम, और आर का पावर माइनस थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, ओके, आर का पावर माइनस थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, करेक्ट है। तो ये इस तरह से, और इसको अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये तो पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा, कौन सा, तो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आर का पावर वन प्लस थ्री बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा, सेवन बाई फोर आ जाएगा यहाँ पे। तो टी जो है ना, ये पूरा एक नया कांस्टेंट बोल देता हूँ के डैश, और आर का पावर कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री सेवन, सेवन बाई फोर है, कि इन्होंने गलती से मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे फोर होना चाहिए, ओके, फोर होना चाहिए। तो ये आपका टाइम पीरियड ये आएगा, और यहाँ से टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर का पावर सेवन बाई फोर के, सेवन बाई फोर। तो यहाँ से इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम, ठीक है, देख लीजिए। बेसिकली करना क्या है, तो टाइम पीरियड हमने निकालना है इस सिस्टम में, तो उसके लिए भी पता होना चाहिए। भी कैसे निकालोगे, तो एम वी स्क्वायर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है तो क्या है कि सेंट्रिपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ती है सेंट्रिपिटल फोर्स, अपने से नहीं लगता, आपको देनी पड़ती है। और सेंट्रिपिटल फोर्स आप दोगे तो वो किसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जो हम नॉर्मली अच्छे अपने बच्चों को काफ़ी कराते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है वो। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई टी जेई के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस कैस मतलब किस लेवल के एक्चुअली में आते हैं और आप कर पाते हो या नहीं, कितनी डिफिकल्ट आपके लिए है, उसके लिए हम ये चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स, टाइम पीरियड दे रखा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सेटेलाइट इज इंक्रीज टू दिस वन, ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको केपलर्स लॉ पता होगा। केपलर्स लॉ का बेसिकली क्वेश्चन है, जैसे ही टाइम पीरियड और डिस्टेंस की बात करें तो आप समझ जाइए कि केपलर्स लॉ का इस्तेमाल होने वाला है। और केपलर्स में भी तीन लॉ हैं, तो थर्ड लॉ बेसिकली टाइम पीरियड को रिलेट करता है, टाइम पीरियड बताएगा। तो टी स्क्वायर यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, क्या लिख कर लेते हैं भाई कि ये जो है यहाँ से ये कौन सा है, ये है अर्थ,
और ये है सैटेलाइट, ओके सैटेलाइट। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 times, तो टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड इसका दे रखा है 5 hours, तो T1 दे रखा है, T1 कितना, T1 इसका दे रखा है 5 hours, 5 hours, ओके। और उसके बाद जो है वो है इसको बढ़ा के आपने कितना कर दिया, बढ़ा के सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 times द प्रीवियस वैल्यू। तो अभी सपोज कि आर है पहले, अब 4R हो गया, तो 4R अगर हो गया आर डैश, तो अभी जो नया टाइम पीरियड है एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 times द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बी, तो अब फिर से टी डैश यहाँ पे जो आपको T2 बोल देता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड। अब आपको एक चीज पता है उसका किपलोस लॉ से कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ओके। तो यहाँ से टी टू बाई T1 दैट इज का होल स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब, ओके होल क्यूब। तो यहां से आप क्या करोगे कि T2 मतलब, तो देखिए यहां पे वैल्यू आपने 4 times कर दी थी ना रेडियस की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू, तो 4R शुरू में मान लीजिए R है तो ये क्यूब है, तो यहां से आप क्या करेंगे कि R से R कैंसिल कर दोगे, ये कितना होगा 64, और इसका रूट लोगे आप यानी कि T2 बाई T1 रूट लोगे तो ये 8 बच जाएगा, और 8 बच जाएगा यानी कि T2 इक्वल टू 8 T1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आपको, केपलर्स लॉ पे बेस्ड है क्वेश्चन, IIT में आया हुआ, मतलब AITEE में आया हुआ, मतलब बेसिकली उस समय ये IIT मेन जैसा है ना उसको ही समझ लीजिए, वैसे ही इस तरह का एग्जाम होता था पहले, 2 exam, मतलब पहले क्या होता था ये AEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जैसा अभी JEE में, उसके थ्रू ही NITs में एडमिशन होते थे, राइट। तो अभी उसी को नाम चेंज करके JEE मेन कर दिया गया, तो अभी भी उसी के थ्रू JEE NIT में ये होता है, एडमिशन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द चार्ज लिखा है बेसिकली गलत लिखा है, मतलब भैया इसको चेंज होना चाहिए, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज एट ए डेप्थ डी अबव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन बोथ डी एंड एच आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ देन व्हिच ऑफ द, देखिए मच स्मॉलर जब मच स्मॉलर बोले ना, तो हाइट वाला जो फॉर्मूला है, हाइट वाला फॉर्मूला जो है उसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ओके उसको उसमें हम लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो राइट यहाँ पे अब देखिए, अगर ये नहीं बोलता कि मच मतलब लो हाइट नहीं बोलता या क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ नहीं बोलता जैसे यहाँ पे बोला है, तो हम नॉर्मली कौन से लगाते, हम जनरल फॉर्मूला लगाते। जनरल फॉर्मूला मतलब बता देता हूँ आपको कि हाइट के लिए जी ये लगाते हैं 1+H/R का होल स्क्वायर, ये किसी भी कंडीशंस के लिए हम लगा सकते थे, लेकिन जब क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ बोले तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस तरह से आएगा 1-2H/R, 2H/R ये आएगा, ये कब है, क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, राइट। अब बात करते हैं कि अगर डेप्थ में, हाँ डेप्थ में बोल रहा है कि डेप्थ में जो वैल्यू है जी की वही इतनी हाइट पे भी है, डेप्थ में कितनी है भाई, कितनी है डेप्थ में, तो जी डैश की वैल्यू जी इंटू 1-D/R ये होगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है कि दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर करना है यानी कि दोनों को इक्वेट कर दो आप, इक्वेट करने का मतलब कि यानी ऐसा बोल रखा है जी इक्वल टू जी डैश डबल डैश, ओके ऐसा इन्होंने बोल रखा है, तो उसको वैल्यू उठा के ले आओ और दोनों कंपैरिजन कर लो, 1-2H/R और इक्वल टू जी इंटू 1-D/R, तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ओके जी से जी कैंसिल हो जाएगा,
और उसके बाद थोड़ा आप कैंसिल ये करोगे तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये हो जाएगा और आपको बेसिकली यहाँ पे देख लो डी इक्वल टू कितना आ रहा है, टू एच आ रहा है। कोई है इसमें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। मार्क्स वर्सेस अच्छा किसी आप बोल रहे हो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक वीडियो बनाने का, ठीक है मैं बना दूंगा, ठीक है। तो बस कल एग्जाम ख़त्म जैसे होगा या देखता हूँ मैं कल तक उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। जो मेरे और बहुत बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने पहले बनाए हैं जिसमें कितने परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिला है, उसके बहुत सारे वीडियोज़ हमारे पास इसी चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन मार्क्स और परसेंटाइल का मैं वीडियो इसको बनाऊंगा, मैं कल तक कोशिश करूंगा बनाने का, ओके। मुझे कल तक से परसों तक का टाइम दीजिए जिससे कि मैं ऑथेंटिक डाटा मैं ये कर पाऊँ, ओके। ऑथेंटिक जो है एग्जैक्ट क्या हुआ था लास्ट ईयर्स में तो उसको लेके मैं बना पाऊँ, उसके लिए थोड़ा एक दो दिन मुझे रिसर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे कि इस ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड टी वन वेन ऑन अर्थ सरफेस एंड टी टू वेन टेकन टू द टू ए हाइट आर एबव द अर्थ सरफेस, ओके, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, ये देखा देखिए। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के बारे में बोल रहा हैज ए टाइम पीरियड वेन द अर्थ सरफेस, यानी कि यहाँ पे इस अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे जो है ना यह टी वन की वैल्यू मतलब जो टाइम पीरियड आ रहा है वो टी वन है और एक हाइट पे लेके जा रहे हो, कितने हाइट पे ये लेके जा रहे हो यहाँ पे कितने हाइट पे भाई, तो ये आर आर के हाइट पे, तो टी वन इक्वल यहाँ पे क्या इतना टाइम है टी टू है, टी वन की जो वैल्यू है वो कितनी है टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एल बाई जी यानी कि अर्थ के सरफेस में जो भी जी का वैल्यू होगा वो होगा यहाँ पे। अब आप क्या करते हो कि अगर इसको टी वन बोल दिया, अगर आप यहाँ पे जाके जाओगे एच की हाइट पे मतलब आर की हाइट पे जाओगे तो उस समय जी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो या तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे टी टू को लिख लो टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी डैश, वेयर जी डैश, ओके, वेयर जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो जी डैश हम एच की हाइट पे मतलब आर की हाइट पे जा रहे हैं तो आर की हाइट पे जा रहे हैं तो जी वन प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी होगी आर और यहाँ पे आर का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको कैंसिल कर लोगे आप, ये कितना आएगा जी बाई फोर आ जाएगा, ठीक है ना, जी बाई फोर वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ओके। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे ये वाला, तो ये वाला वैल्यू कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट करोगे, ये तो ये वाला अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे टी टू की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी बाई फोर, जी बाई फोर तो ये ऊपर फोर चला जाएगा तो टू टाइम्स टी वन हो जाएगा, टू टाइम्स टी वन ये हो जाएगा, देखिए ठीक है, टू टाइम्स टी वन ये आ जाएगा आपका, ओके, राइट। तो ये चीज आपको ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिट, ओके, ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस वन, ओके, रेडियस, ओके, रेडियस, ओके, देन द टाइम पीरियड ऑफ ए स्पाई सेटेलाइट ऑर्बिटिंग ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ओके, विल बी। तो बेसिकली देखिए क्या है कि जो दो तरह के सेटेलाइट हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जियोस्टेशनरी सेटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है या और अर्थ का अर्थ के जो टाइम पीरियड होता है उसके बराबर का होता है उसका टाइम पीरियड। दूसरा हम पढ़ते हैं पोलर सेटेलाइट, पोलर सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 84 जो ना 84 मिनट होता है, 84 मिनट होता है, तो वो यहाँ पे ना 84 मिनट होता है, तो 84 मिनट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली विल बी, ये बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, तो 84 मिनट कितना 1.5 आवर्स यानी कि डेढ़ घंटे से थोड़ा सा कम ही होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर डेढ़ घंटे हैं तो उसको आप 1 आवर मान सकते हो, 1 आवर मान के इसको कर सकते हो या फिर
ठीक है ना, द टाइम पीरियड ऑफ ए स्पाई सेटेलाइट ऑर्बिटिंग वेन फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। तो यार आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए आप ऐसे कर सकते हो कि टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो टाइम पीरियड इक्वल टू टी, इसको कैसे लिखेंगे आप, टी टी को टू पाई आर बाई वी ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, तो ऑर्बिटल स्पीड जो कि नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ के लिए, नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, जी एम बाई आर ऐसे होगी, ओके जी एम बाई आर। और ये जो होगा ये यहाँ से टी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू टू पाई आर डिवाइड बाई इसकी वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कर सकते हो थोड़ा मैनिपुलेट कर लोगे आप, ठीक है तो मैनिपुलेट कर लोगे टू पाई यहाँ से आएगा आर क्यूब आ जाएगा, यानी कि आर टू आर को बाहर ले लीजिए और आर क्यूब बाई जी एम, आर क्यूब बाई जी एम, ओके आर क्यूब बाई जी एम, ये चीज। अब यहाँ से वैल्यू अगर पुट करते हो, ये वैल्यू पुट करोगे आप तो वैल्यू पुट करके आपको ये वैल्यू आ जाती है, और ये इसमें जी एम की वैल्यू। अच्छा एक और चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे क्या है, देखिए कैलकुलेट करना जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ यहाँ जी एम लिख दो और यहाँ पे आर स्क्वायर और इनटू ये, यहाँ पे ये जो चीज़ें है ना, ये वाला जो चीज़ है ये इसको कितना लिख सकते, मतलब रूट के साथ इसको स्मॉल जी बोल सकते हो, स्मॉल जी क्यों, यानी कि टू पाई और रूट टू पाई और यहाँ पे नीचे जी होगा, यानी कि रूट आर और नीचे जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी इसकी वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, स्मॉल जी की वैल्यू याद होगा आपको अंडर रूट ऑफ जी एम, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, नहीं एक मिनट, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो अंडर रूट में आएगा ये, ठीक है अंडर रूट में आएगा, इसको थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है इसको सही कर लेते हैं। सी देखिए जी की वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इतनी होती है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जी एम बाई आर स्क्वायर तो ये अंडर रूट में आएगा आर बाई स्मॉल जी से आएगा, ठीक है इसके वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, पुट करके मतलब निकाल सकते हैं, टू पाई अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 6400 किलोमीटर आता है, 6400 किलोमीटर, ओके इनटू 10 टू पावर 3 बाय 10, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो ये कितना होगा 8, यहाँ पे 8 इंटू टू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 मतलब 100, तो ये कितना आएगा 1600 पाई की वैल्यू। अब ये सेकेंड्स आएंगे, सेकेंड्स, ओके सेकेंड्स आएंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको, और फिर उसको आवर में चेंज कर लेंगे आप तो ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। आगे बढ़ते हैं, डबल स्टार सिस्टम हैविंग टू स्टार्स ऑफ मास m1 and m2 रोटेटिंग अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास इन रेडियस r1 and r2 विद दिस वन। अब देखिए डबल स्टार सिस्टम ये भी आपको IIT में आ चुका है 2006 में, तो डबल स्टार सिस्टम कैसा होता है, सपोज करके एक ज़्यादा मास का है और एक कम मास का है, तो अगर कम मास का ज़्यादा मास का अगर है, कम मास और ज़्यादा मास का है तो ये कम मास, तो देखिए ये ज़्यादा मास सेंट्रल मास जो होगा ना, कम मास बड़े मास, ये सेंट्रल मास जो है वो सेंट्रल मास कहाँ होगा, बड़े वाले मास के पास होगा, दिस इज द सी ओ एम सेंट्रल मास, ठीक है दिस इज द सी ओ एम सेंट्रल मास, ये यहाँ पे ये क्या है एम वन मान लीजिए इसको और ये एम टू, और ये सी ओ एम के अबाउट ही घूमेगा, यानी कि ये घूमेगा तो इस अपने सेंट्रल मास, ये भी घूमेगा तो ये अपने सेंट्रल मास, ये दूसरी ऑर्बिट में घूमेगा दूसरे सेंट्रल मास, दोनों घूमेंगे अपने कॉमन सेंट्रल मास के अबाउट, ये बात तो कन्फर्म है,
ठीक है ना, दिस इज वी वन और दिस इज वी टू। पूछा क्या गया, टाइम पीरियड। अब देखिए सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे ना, ये वाला कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलता हूँ कि आर वन है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, ये आर टू, ये आर वन है और ये आर टू है। विद टाइम पीरियड, विद पीरियड टी वन एंड टी टू, देन ओके देन यहाँ पे आप देख सकते हो टी वन और टी टू, ये इनके टाइम पीरियड है और रेडियस ये आर वन है और ये आर टू है। ओके तो क्या पूछा गया है आपको, इनके टाइम पीरियड के बारे में बोला गया है, टाइम पीरियड। अब देखिए कौन सा ज्यादा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा कम है, ऐसे है तो टी वन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ऐसा तो हम लिखते ही हैं, ठीक है। अब टी वन, टी वन जो होगा टी वन बाई टी टू, टी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर वन बाई आर टू का होल क्यूब। ओके ऐसे आपको लिखेगा, लिख मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है, टी वन बाई टी टू और ये आर वन बाई आर टू, इस तरह से आप लिख सकते हो। देन पीरियड ऑफ द पीरियड टी वन टी टू, तो ये आप रिलेशन देखिए, यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है क्या, ये नहीं, ये आपका यह स्क्वायर होता तो सही होता, तो ये गलत हो गया। ओके तो ये रिलेशन बेसिकली रहेगा इनके टाइम पीरियड के बारे में, अगर इफ टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। अच्छा एक और चीज देखिए, आपको एम वन बड़ा है ऐसा कुछ दे रखा है क्या, नहीं नहीं दे रखा है, ये दे नहीं रखा अभी तक कि कौन बड़ा है, मैंने अपनी तरफ से माना है कि एम वन बड़ा है, लेकिन ऐसा अपनी तरफ से इन्होंने दे नहीं रखा है। अगर हाँ ये जरूर है कि अगर एम वन बड़ा है तो ये डिस्टेंस कम होगा और एम, ठीक है ना, ये चीज़ कन्फर्म है। अब देखिए बात इन्होंने बोला है, इफ टी वन ग्रेटर देन टी टू, टी वन ग्रेटर देन टी टू, देन आर वन ग्रेटर देन आर टू। ओके ये बोला इन्होंने, इफ टी वन ग्रेटर देन टी टू देन एम वन ग्रेटर देन एम टू, टी वन इक्वल टू टी टू, ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने, द विद पीरियड टी वन टी टू ए डबल स्टार हैविंग टू स्टार, दिस वन इज रोटेटिंग अबाउट कॉमन सेंटर मास एंड दिस वन एंड विद पीरियड्स दिस टी वन एंड टी टू। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ओके कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ओके तो क्यों कैलकुलेशन नहीं चाहिए, देखिए आप ये कॉमन सेंटर, सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं मूव करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो मूव कर रहे हैं ये दोनों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ओके तो एक मिनट सर, आई एम इन क्लास 11 स्कोर अराउंड 12th entering marks in mock test, how can I improve my marks, reply don't ignore। अच्छा ठीक है, देखिए मैं इग्नोर नहीं कर रहा, बेसिकली क्लास में थोड़ा सा बाकी लोग भी हैं ना, इसलिए वो लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। नॉर्मली हम क्लास जो बच्चों को जो जो डाउट्स होते हैं या उस तरह के पर्सनल लेवल पे हम क्लास के बाद एंटरटेन करते हैं, लेकिन वही यहाँ पे आदत है क्योंकि ऑफकोर्स ठीक है ना, मैं जब फिटजी में भी था तो फिटजी में भी हम लोग ऐसे करते थे, फिटजी हुए आकाश में जब भी था, तो रिसेंटली अभी छोड़ा मैंने फिटजी। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है जो आप पूछ रहे हो, मोटिवेशन। देखिए अगर आप 11th क्लास में हो और आपका 120 मार्क्स आपका आ रहा है उसमें मॉक टेस्ट में, तो मैं बोलूँगा आपका बहुत अच्छा स्कोर अभी आ रहा है, अभी आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर आप इसको और ज़्यादा करना चाहते हो, देखिए जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आप ये होगा, आप ये चीज़ें जो है अपने आप जो है ना इम्प्रूव होंगी। पहला चीज़ दो तीन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या कैसे आप ये कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इम्प्रूव आप कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लगा रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा लगाओ, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ज़्यादा रखो। ओके इजी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहो, इजी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कोई इम्प्रूव सच में, अगर सीरियसली चाह रहे हो, और मुझसे अगर ट्रू ओपिनियन चाहिए कि सच में इम्प्रूव हो जाए, देखिए आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो बिल्कुल इजी लेवल के मत करो, मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आप जैसे ए सी वर्मा का कुछ बुक अच्छा लेवल का है और डी सी पांडे की बुक अच्छी अच्छे लेवल का है,
ओके अब बिल्कुल एनसीईआरटी तो खैर है, एनसीईआरटी तो आप बेसिक है, वो तो स्टार्ट है, आपको करना ही, उसको करना ही है, उसके ऊपर ये सारी चीजें हैं। एक खाली एक ही बुक करके आप सेटिस्फाइड मत रहो कि खाली एक ही बुक आपने कर लिया और हो गया मेरा काम, नहीं। आप अपना जो भी रेफरेंस बुक होगा, एनसीईआरटी तो है ही और साथ में एससी वर्मा भी करो, डीसी पांडे भी करो, तो ये जो कुछ बुक्स है, ये बुक्स आपको मतलब आपका और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस ही रहे, क्योंकि अब इजी क्वेश्चंस करोगे और उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट जब आपका हो रहा होगा उसमें अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपके मतलब मार्क्स थोड़े कम हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा पहले ही से लगा के रखोगे तो आपकी प्रैक्टिस वैसी बनी रहेगी, हैबिट बनी रहेगी, तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। पहले ही से आप आई एम सॉल्विंग फिजिक्स गैलेक्सी, फिजिक्स गैलेक्सी अच्छी बुक है, ओके आशीष सर का फिजिक्स गैलेक्सी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। गैलेक्सी फिजिक्स गैलेक्सी अच्छा बुक है, लेकिन और भी एस सी वर्मा को मत छोड़ो, एस सी वर्मा जो है उसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, हर तरह का वेरिएशंस का क्वेश्चंस है। आप अगर शुरू के क्वेश्चंस आप इजी लग रहे हो तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर करो, सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट, और सब्जेक्टिव में लास्ट के 20 क्वेश्चन जरूर करो, सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो लास्ट के 20 क्वेश्चंस जरूर करो, आपका धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा ग्रेजुअली, और मॉक टेस्ट आप देते रहो, मॉक टेस्ट आप की फ्रीक्वेंसी जो आप है ना वो और 3 बढ़ा सकते हो, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए और इसको आप जरा आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, ठीक है। फिजिक्स गैलेक्सी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन साथ साथ आपको कुछ और बुक भी आया उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, एस सी वर्मा ऐड ऑन कर लीजिए, डीसी पांडे कर लीजिए ऐड ऑन, ठीक है। इसमें ये चीज़ थोड़ा सा, और अगर एस सी वर्मा ईजी लग रही हो तो उसके लास्ट के 20 क्वेश्चन कर लीजिए हर सब्जेक्टिव में, वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, मैं समझता हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, 120 अगर अभी है तो 11 में ही, तो आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब आप आराम से मेरे ख्याल से 12th आते आते अगर आप मॉक टेस्ट थोड़ा और फ्रिक्वेंसी बढ़ा के करते हो, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करते हो तो आराम से मेरे ख्याल से 250 भी जा सकता है, 250 में बहुत जाए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है आपको, ठीक है। 250 तक आपके मार्क्स हो सकता है, जा सकता है, और बाकी उससे और अच्छा करना डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस करो, पूरी तरह से प्रैक्टिस पे डिपेंड है, डिपेंड करता है क्वेश्चंस कितने करो, बहुत ज़्यादा सॉल्व, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस करके खुश रहने वाले चक्कर में मत रहना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये चीज़ बस आगे बढ़ते हम, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते। हाँ क्या बोल रहा था मैं कि ये जो है आप इसमें आपको कुछ भी करने मतलब इसमें सॉल्व कुछ भी फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो ये एक बार जो चक्कर लगाया है ना, ड्यूअल स्टार है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये रोटेट करते हैं, ये रोटेट करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, ये M1 है, मान लीजिए इसके मास ज़्यादा है और इसका मास ज़्यादा है, तो ये सेंटर मास इसके नज़दीक होगा COM। अब ये रोटेट करेगा ना, ये इधर रोटेट करेगा और ये इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखोगे कि ये सपोज करिए इस तरफ है और ये इस तरफ है, राइट, ये इस तरफ है, ये जो देखिए ये जो है ना सेंटर ऑफ मास, ये बेसिकली इसका रेस्ट पे रहता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है, ओके। मतलब कि जो टाइम पीरियड इसका होगा वही टाइम पीरियड इसका भी होगा, जो टाइम पीरियड इसका होगा उतने टाइम पीरियड इसका होगा, मतलब एक चक्कर जितने देर में ये लगा के आएगा उतने देर में ये भी एक चक्कर लगा के अपनी जगह पहुंच जाएगा, तभी ये सेंटर मास अपनी जगह मूव नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं कह पाया तो ये सेंटर मास अपनी जगह मूव कर जाएगा अपनी जगह से, जो कि ये लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब कि टाइम पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड दोनों का सेम होना, जितने टाइम में ये घूमेगा एक चक्कर उतने ही टाइम में ये एक चक्कर घूमेगा। सपोज अगर ये यहाँ से आ गया उतने देर में ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब ये यहाँ से जितने देर में जाएगा उतने देर में ये यहाँ से आ जाएगा, जितने देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा उतने देर में ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू
ओके ये दे रखा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन ईयर वुड हैव बीन. तो ऐसा बोल रखा है इन्होंने कि अब टी, ये तो पता आपको टी स्क्वायर डाइग्लोबोसल टू आर क्यूब. अब आपने क्या किया कि जो इनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया, मतलब नया जो डिस्टेंस आया आर डैश वो आर बाय टू के बराबर होगा. तो अभी यानी कि टी टू बाई टी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर टू बाई आर वन का होल क्यूब. ओके यहाँ से आप क्या करोगे टी टू बाई टी वन 365 और ये स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू. आप डिस्टेंस कितना कम कर रहे हो, डिस्टेंस कम कर रहे हो हाफ कर कम कर रहे हो, मतलब कि वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू यानी कि वन बाई टू बाई वन बाई टू आर और आर का होल स्क्वायर नहीं क्या है होल क्यूब वाले होल क्यूब. अब इसकी वैल्यू यहाँ से आर और आर तो यहाँ पे वन बाई एट, दिस इज वन बाई एट. ओके वन बाई एट. अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे यानी कि कैलकुलेशन करेंगे टी टू बाई थ्री सिक्सटी फाइव ओके का होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको टी टू की जो वैल्यू आ रही है 129 ये आ रही है. आपका सीधे केप्लर्स लॉ का एप्लीकेशन है, केप्लर्स लॉ का एप्लीकेशन है. ठीक है केप्लर्स लॉ का एप्लीकेशन है ये. तो एन आर्टिफिशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट मौसम का क्वेश्चन है. एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज ए टोटल एनर्जी दिस वन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज. ओके तो देखिए आपको ये चीज मैं बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है. कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड अगर है तो कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हम रिलेट कर सकते हैं. यानी कि टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा और दैट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा. ओके नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगा. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज ए टोटल एनर्जी ई नॉट, टोटल एनर्जी ई नॉट है इट्स पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो ये रिलेशन वैलिड होगा यू की वैल्यू टू ई नॉट आएगा. ओके तो टू ई नॉट कौन सा ये रिलेशन आ जाएगा. ठीक है ये चीज रिलेशन याद रखिएगा. ये रिलेशन बहुत सर इसे भी आया हुआ है जेई में और जेई के क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. ये सैटेलाइट इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ. देन क्या बोल रहा है ए सैटेलाइट डायग्राम बना लेते हैं. सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. अर्थ है ये. ओके अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है. इस तरह से ओके द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सेंटर टू द मास ऑफ द अर्थ. देयर तो ये ऐसा दे रखा है यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है सैटेलाइट है. ठीक है सैटेलाइट है. Then the acceleration of S is always directed. Okay. तो देखिए ये जो है ना इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स किधर होगा. फोर्स तो इधर होगा अर्थ के सेंटर की तरफ क्योंकि इसका खुद का मास नेग्लिजिबल बोला गया है. सैटेलाइट का मास इसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल बोला है. इसका मतलब टोटल जो मास होगा मतलब दोनों सिस्टम का जो सेंटर मास होगा यहीं पर लाई कर जाएगा. ऐसा क्यों क्योंकि इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल बोला है इस क्वेश्चन में. देखिए ऐसा क्वेश्चन में सैटेलाइट का मास जो है ना वो वेरी वेरी स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल है. इसका मतलब इसका मास नेग्लिजिबल है इस कंपैरेटिवली. तो पूरे सिस्टम का मास सेंटर मास यहीं पे लाई करेगा अर्थ के सेंटर पे. करेक्ट है. अगला बात द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो एक्सेलरेशन ऑफ एस सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो बोल रहा है कि अब देखिए नेट फोर्स किधर लग रहा है. नेट फोर्स किधर लग रहा है जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है. ठीक है नेट फोर्स जिधर होगा आप देखोगे तो नेट फोर्स किधर है. नेट फोर्स इधर है
तो फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा। कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे, मान लीजिए इधर की तरफ जा रहा है तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और दूसरा क्या होगा, तो इस यहाँ पे एक छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर लेता हूँ, मतलब स्मॉल आर्क स्मॉल सेगमेंट लेता हूँ, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन इस सेंटर की तरफ होगा, ए यहाँ पे ए आर हो जाएगा, ए आर ए टी और ये ए आर, ए टी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये रेडियल, ये आपका रेडियल मतलब ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और दोनों का जो नेट आएगा ना वो नेट आएगा आपको इस तरह से। तो अब क्या है बोलोगे सर, ये तो ये है और ये है, दोनों का रिजल्ट इधर आना चाहिए, तो ये इधर नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये जो है ना ये एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ स्लो हो रहा है, देखो स्पीड कम हो रही है, स्पीड आप देखोगे ना स्पीड कम हो रही है, रिटार्ड हो रहा है यहाँ, तो स्पीड सबसे कम होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिजल्टेंट आपका नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा जिधर फोर्स होता है। फोर्स एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो ना, एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो तो एक्सेलरेशन उधर ही होता है जिधर फोर्स होता है, राइट। तो जिस फोर्स हमेशा दोनों के लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलॉन्ग होता है तो ये एक्सेलरेशन सही होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंज इन डायरेक्शन, नहीं एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन चेंज नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये थंब जो होता है ना वो एंगुलर डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देता है। अगर ये रोटेट ऐसे कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये थंब नेम थंब जो होगा ना थंब, तब आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा, या अगर ये ऐसे वेलोसिटी होगी तो थंब आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक ही ऐसे, या तो अंदर या ऐसे, दोनों में से कोई सेबल हो गए तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो ये चेंज हो रहा है ऐसा नहीं, गलत बात है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑफ एस वेरीज पीरियडिकली विद टाइम, तो ये आपका बस ये सही हो गया, ओके। अब तो ये है, आप होपफुली आपको याद मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इतना ही जो क्वेश्चन, मतलब ये सारे ये लास्ट क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप इसको करके जाइए और आप अच्छा करेंगे वहाँ पे एग्जाम में भी, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।